नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टैक्स बैट शो पे आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना मैंने अभी इसलिए बनाया है ताकि जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि जो है ना अभी आज के डेट में, आज 5 मई है 2021 है, आज जो है एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही जो है ना हिस्टोरिकल जजमेंट आया है। ये है जजमेंट रिलेटेड टू है मराठा रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र में। जो है ना जैसा कि आपको पहले पता होगा कि जो है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है एक रिजर्वेशन लगाया था, जो है ना वो जो है मराठा कम्युनिटी को उन्होंने जो है ना रिजर्वेशन दिया था। और ये रिजर्वेशन जो है ना रिजर्वेशन का जो ना कैप है 50%, उससे मैक्सिमम लिमिट में जो है ना उनको दिया गया था। तो इसको जो है ना जब जो है दिया गया था तो उसका प्रोसेस क्या उन्होंने अपनाया था, जो है महाराष्ट्र में एक जो है और जो है ना एक्ट पास एक एक्ट बनाया गया है था, जो है ना वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018। इस जो है ना एक्ट में जो को बनाया जो गया था उसको बाद में फिर जो है ना अमेंड करके 2019 में जो है ना उसको जो है अमेंड किया गया। और फिर अमेंड करने के बाद जो है ना जो है वहाँ पे मराठा कम्युनिटी को जो है वहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया। और ये रिजर्वेशन जब दिया गया तो ये जो भी बेसिक अभी रिजर्वेशन का जो कैप है वो 50% है कि 50% से आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। लेकिन ये जो है ना एक्ट को जो है ना इस एक्ट को इन्होंने अमेंड करके 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन जो कैप को फॉलो जो है ना क्रॉस करते हुए और रिजर्वेशन दिया। तो इस रिजर्वेशन के को देने के बाद जो है ना ये इम्प्लीमेंट भी जो है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर दी और जो है ना एजुकेशन और फिर जॉब में फिर जो है ना इसको इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया। तो इसके अगेंस्ट जो है ना वहाँ का एक एडवोकेट है जयश्री पाटिल। जयश्री पाटिल ने हाई कोर्ट में जो है ना बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पेटिशन डाली, और पेटिशन जब डाली तो महाराष्ट्र जो है ना बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ये डिसीजन को जो है ना उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। मीन्स इसे जो है ना इनवायलेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया इस रिजर्वेशन को, जो है ना कि मराठा कम्युनिटी को जो है ना नहीं मिल सकता अबव द कैप ऑफ 50%। तो फिर इस जो है ना इस जजमेंट ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया इसके अगेंस्ट जो है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ना सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो ना सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में देखी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर कर दिया जो है ना इस केस को। फिर जो है ना आज के डेट में जो है ना वो कॉम जो है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल का जो है ना बेंच थी उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि जो है ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो इन्होंने वहाँ पे मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया है। वह जो है वो एक्ट जो है ना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018 को अमेंड करके 2019 में इन्होंने जो रिजर्वेशन दिया था। इसमें ऑब्जर्वेशन में उन्होंने बहुत सा चीज़ देखा, उन्होंने बेसिकली देखा कि जो है ना जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना एक वर्डिक्ट दिया था 1992 में जो है ना इंदिरा स्वामी एंड वर्सेस जो है ना था यूनियन गवर्नमेंट, उसमें जो है ना इनको जो है ना 50% कैप सुप्रीम कोर्ट खुद इनको डिसाइड किया था कि इस 50% से ज़्यादा जो है ना किसी को भी रिजर्वेशन गवर्नमेंट नहीं दे सकती है जो है। तो फिर बाद में जो है ना एक अमेंडमेंट आया और जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में अमेंड किया और जो है वो अमेंडमेंट 102 अमेंडमेंट था, 102 अमेंडमेंट करके जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या किया कि जो उन्होंने एक आर्टिकल ऐड किया 342A जो है ना आर्टिकल ऐड करके जो है ना इंजर्ट किया गया। और इस इंजर्ट करने के बाद जो है ना वहाँ पे दिया गया जो है ना प्रोविजन दिया गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या फिर स्टेट गवर्नमेंट वो अगर राष्ट्रपति
यानी प्रेसिडेंट को वो जो है ना रिक्वेस्ट भेजते हैं कि किसी कम्युनिटी को ऐड करना है रिजर्वेशन में, तो अगर राष्ट्रपति जो है ना वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं इस चीज़ से, तो फिर जो है ना वो जो है ना 50% से अबव के में जो है ना रिजर्वेशन में जा सकती है, जो है ना जो 50% कैप है उससे अधिक से जो है ना कैप से अधिक में रिजर्वेशन हो सकता है। तो इसी का हवाला देते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है ना इसको अमेंड किया अपने स्टेट एक्ट को, और फिर जो है ना उन्होंने जो है ना 50% से ज़्यादा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मराठा कम्युनिटी को उन्होंने रिजर्वेशन दिया। लेकिन इसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो है ना ये स्टेट गवर्नमेंट का जो है ना पावर नहीं है इसमें, मीन्स ये जो है ना 342A जो है ना स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं देती है कि वो खुद जो है ना एक एक्ट बनावे या एक्ट किसी एक्ट में जो ना मॉडिफिकेशन करे या अमेंडमेंट करे और फिर किसी कम्युनिटी को जो है ना वो इंडर्ज करके उसमें जो है ना इंक्लूड करके और फिर जो है ना वो 50% से ज़्यादा का कैप में वो रिजर्वेशन दे। ये केवल प्रेसिडेंट के पास है, और जो है ना कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने स्टेट में चाहती है कि किसी कम्युनिटी का जो है ना बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड है, एजुकेशनली एंड बैकवर्ड क्लासेस में है, तो वो फिर जो है ना उनको गवर्नमेंट जो है ना प्रेसिडेंट के पास जो है ना एक रिक्वेस्ट करेंगे और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ऐसा हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, खुद जो है ना उन्होंने अपने पावर का यूज किया और जो है उन्होंने जो है ना मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया, वो कैप जो है ना मोर देन 50% से ज़्यादा था। और सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पे उनको इस बेसिस पे भी जो है ना स्टैक बंद कर दिया जो है ना इनके पॉलिसी को। दूसरा क्या, उन्होंने जो है ना वायलेशन ऑफ जो है ना आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 का भी हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है ना ये जो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन जो दिया गया है मराठा कम्युनिटी को जो है ना, तो ये कैप को क्रॉस जो 50% का ये जो है ना इक्वालिटी और जो है ना वो जो है ना एक्सीडिंग 50% रिजर्वेशन का जो है ना आर्टिकल 14 और 15 को वैल्यूट करता है जो है। तो ये आर्टिकल 14 और 15 कहता है कि इक्वालिटी जो है ना नॉट एक्सीडिंग 50% रिजर्वेशन, तो इसको भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है ना स्टेप जो था वो भी इसको वायलेट करता है। तो इस आधार पे भी उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है ना यहाँ पे एक्टिविटी को इन्होंने रूल जो है ना इग्नोर कर दिया और स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर जो है ना इन्होंने जो है ना ज़्यादातर जो है ना चांसेस इन्होंने जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में अपना ही जजमेंट को 1992 में जो है ना इन्होंने इन द स्वयं एंड यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना इनको जो है ना यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में लिया कि जो है ना ये लॉ जो है गुड लॉ है, और फिर जो है ना ये गुड लॉ होने की कारण जो है ना इससे ज़्यादा जो है ना कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं होता या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि 50% से ज़्यादा कैप है और दूसरी कम्युनिटी को स्पेशल उन्होंने दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मैं ऐसा पास्ट में देखा कि किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी में वो 50% से ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा कि ये महाराष्ट्र मराठा कम्युनिटी को जो ऐड कर रही है जो है रिजर्वेशन में, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीड नहीं है, ये बेसिक ये पॉलिटिकली नीड है, और पॉलिटिकली नीड होने के कारण जो है ना ये कुछ स्पेशल टाइप के कम्युनिटी हैं उनको जो है ना ये जो है ना इंक्लूड करना चाहते हैं पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए, तो और ये एक्स्ट्रा जो है ना नीड नहीं है। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है ना अपने ऑब्जर्वेशन में लेते हुए और आज से ओवरऑल जो है ना उनका जो है ना रिजर्वेशन पॉलिसी था जो है ना मराठा कम्युनिटी के लिए उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन उसमें एक प्रोविजन दिया गया है स्ट्राइक डाउन करते समय कि जो है ना अभी तक में जो जब से लागू हुआ था ये जो है ना मराठा कम्युनिटी का रिजर्वेशन उसमें जो है ना भी बेनिफिट ले चुके हैं उस पर जो है ना उस पर लागू रहेगा, उनका जो है ना लॉस नहीं होगा। जैसे कोई एजुकेशन में जो है ना इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा चुके हैं तो उनका जो है ना एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, या फिर जो है ना कोई जॉब ले चुके हैं तो उनका जॉब भी ना बचा रहेगा, जॉब नहीं जाएगा। लेकिन अब जब से आज के डेट से सुप्रीम कोर्ट का जो है ना वर्डिक्ट जिस दिन से आया उस दिन से फिर ये
जो है ना नन जो है ना अप्लीकेबल नहीं होगा, और ये जो है ना इन फोर्स जो है ना ये रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट में नहीं रहेगा। मीन्स आज से जो है ना 5 मई 2021 से जो है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ना मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। जो है जो उनका अमेंडमेंट जो है ना उन्होंने स्पेशल जो है ना अपना एक्ट में अमेंडमेंट किया था, उनको जो है ना वो इस बेसिस पे वो रिजर्वेशन अब उस कम्युनिकेटी को नहीं दे सकते। लेकिन भी इसके पहले जो है ना पीपल हैं उस कम्युनिकेटी के एजुकेशन में या फिर जॉब में अगर उनका बेनिफिट हो चुका है तो वो जो है ना बेनिफिट उनका लागू रहेगा, तो उनका जॉब नहीं जाएगा या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन बचा रहेगा। लेकिन आज के डेट से फिर ये और जो है वो अप्लीकेबिलिटी ये एक्ट नहीं रहेगा और रिजर्वेशन का पॉलिसी अप्लीकेबल नहीं रहेगा महाराष्ट्र में। तो ये बहुत ही अच्छे जजमेंट थी और ये हिस्टोरिकल जजमेंट थी, ताकि जो है ना दूसरे स्टेट को भी जो है ना ऐसा जो है ना प्रोविजन करने में जो है ना सोचना पड़ेगा, ताकि जो है ना बहुत ऐसे स्टेट हैं अपने जो है ना एक कम्युनिटी को जो है ना अप्रीजमेंट करने के लिए जो है ना वो रिजर्वेशन का जो है ना एक हथियार मान लेते हैं और बोलते हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अभी सब बात चल रही थी कि हम मुस्लिम को अलग से रिजर्वेशन देंगे जो है, तो इस सबको के लिए बहुत ही एक जो है ना धक्का है और ये एक बहुत सेटबैक है ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को जो अपीजमेंट करने के लिए एक कम्युनिटी को अपने रिजर्वेशन पॉलिसी में लाते हैं फिर उनका पॉलिटिकली यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है, जय हिंद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।